फर्जी लोग पहले लेके जा रहे हैं और हम लोगों को जो है वहाँ लाइन में लगाया हुआ है पीछे आधा किलोमीटर दूर जो है, ये टोकन मिलेंगे टोकन मिलेंगे, टोकन देने वाला कोई नहीं है। बताइए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है वहाँ पे टोकन मिल रहा है, अब लोग लाइन में लग गए। किसने कौन दे रहा टोकन? दिलवाइए टोकन, दिलवाइए टोकन, दिलवाइए। आप गाड़ी कोई एम्बुलेंस नहीं होती, क्रेटा गाड़ी अंदर गई है, बंदा 15 मिनट में अपने सिलेंडर रख के छोड़ के चला गया, अभी वो आधे पौने घंटे में वापस आएगा अपने सिलेंडर लेके चला जाएगा। बीच में हमारा नंबर आ गया था, फिर काट दे, बीच में गाड़ी डाल दी और जिनकी सिफारिश वे अंदर जा रही गाड़ी। सर अभी तो लाइट गई हुई है, पता नहीं कितनी बहुत देर से, अब कब आएगी? अब ऑक्सीजन प्लांट है तो इनके पास बिजली का बैकअप भी नहीं है, अब लोग पब्लिक खड़ी है, किसी के पेशेंट हॉस्पिटल में क्रिटिकल सिचुएशन में है और कोई यहाँ सुनने वाला भी नहीं है। अविंदो दुनिया को पता है कि गवर्नमेंट का अभी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, दुनिया में आदमी मर रहे हैं, तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट देखने जाकर लाइट कटी है तो फोर्थ विद उसी टाइम एक्शन होना चाहिए लाइट का। मैं तो 2:30 बजे हूँ, मुझे नहीं पता मेरा नंबर कब आएगा, जो सुबह वाले हैं जब उन्हें नहीं मिली तो मेरा नंबर कब आएगा। मर रहे हैं भैया, देखो लोग मर रहे हैं और कोई नहीं मर रहा। अब क्या है, लोग काम काज तो छोड़ चुके हैं क्योंकि बेचारे जब घरों में बस खाली सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, अब और कुछ नहीं चल रहा। 11:30 बजे क्या है, ऑक्सीजन मिल रही है? अब देख लो मिल रही है, आपके सामने है ना। यहाँ कोई नेता नहीं आता जी, कोई नहीं देखने आता कि हम कैसे परेशानी में। लाइन में कोई लोग है नहीं यहाँ पे, जो नॉर्मल बंदा है गरीब है वो लाइन में लगा हुआ है, उसको कोई उससे कोई पूछेगा नहीं कि क्या है क्या नहीं, वो लाइन में लगा हुआ है। और कोई आ रहा है जानकार वो सीधा पीछे से आ रहा है और घुस रहा है अंदर, उसको कोई नहीं बोल रहा। तो ये बोलते कि ऑक्सीजन है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इन्होंने प्रोवाइड भी कराई है तो ये प्रोवाइड हुए, जो मतलब बड़े बड़े लेवल पे हाई लेवल पे बंदे बैठे हुए उनके लिए ये है, गरीब आदमी के लिए 10 ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ चले जाते बस, ठीक है 10 ओनली, और बाकी सारे लाइन में खड़े रहते, भीड़ में खड़े रहते, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब मर जाए कोई दिक्कत नहीं सरकार को। सरकार अगर मैं मर जाऊँ तो सरकार को 1% का फ़र्क नहीं पड़ेगा, पब्लिक मर जाए सरकार को 1% का फ़र्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं सैम, आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नंगली सकरावती में। सोशल मीडिया हैंडल द्वारा हमें पता चला कि यहाँ गैस की रिफिलिंग की जा रही है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ गैस की रिफिलिंग की जा रही है, लोग खड़े हुए हैं गैस की रिफिलिंग के लिए, गेट बंद है, लाइन से लोग, भीड़ लगी हुई है, लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह से खड़े हैं सब लोग, आइए हम बात करते हैं कि इन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा है। क्या कहना है सर? फर्जी लोग पहले लेके जा रहे हैं और हम लोगों को जो है वहाँ लाइन में लगाया हुआ है पीछे आधा किलोमीटर दूर जो है, ये टोकन मिलेंगे टोकन मिलेंगे, टोकन देने वाला कोई नहीं है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं सब लोग जाके अंदर अपना सिलेंडर भरवा रहे हैं और हम लोग वहाँ इंतजार देख रहे हैं, बारिश पड़ रही है इतनी ज़ोर से जो है, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि भाई तुम लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर जो है, बस यही कि थोड़ा सा कुछ व्यवस्था बन जाए यहाँ पर किसी तरीके से। बस गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ भी जाएँ, एम्बुलेंस को भी ज़रूरत है सिलेंडर्स की, वो भी जाएँ, लेकिन जो हमारे सिलेंडर हैं जो पब्लिक के सिलेंडर हैं कम से कम सारी व्यवस्था है। बताइए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है वहाँ पे टोकन मिल रहा है, अब लोग लाइन में लग गए। किसने कौन दे रहा टोकन? दिलवाइए टोकन दिलवाइए। अभी 2 पुलिस वाले भी अंदर आ रखे हैं, वो भी डायरेक्ट अंदर ऐसे ही घुस गए। पुलिस वाले घुस गए भाई, घुस गए ना, और पीछे से ट्रैफिक पुलिस वालों ने कम से कम भी 15 से 10 सिलेंडर अंदर घुसवाए पीछे से, इधर से भाई उसका नहीं पता। और जो नहीं इधर से इधर क्रेटा गाड़ी कोई एम्बुलेंस नहीं होती। क्रेटा गाड़ी अंदर गई है, बंदा 15 मिनट में अपने सिलेंडर रख के छोड़ के चला गया, अभी वो आधे पौने घंटे में वापस आएगा अपने सिलेंडर लेके चला जाएगा। हमारे साथ मौजूद है पप्पू जी जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल से, ये 9 बजे से खड़े पर इन्हें सिलेंडर अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया गया। हमारा नंबर आ गया था, फिर काट दे, बीच में गाड़ी डाल दी और जिनकी सिफारिश वे अंदर जा रही गाड़ी, हमारे गैस नहीं मिल रही अब तक। कितने बजे से खड़े हैं? मैं 9 बजे से भाई, ठीक है। एम्बुलेंस खराब हो गई थी, मेरे को इमरजेंसी में भेजा टेम्पो लेके। इमरजेंसी में आपको भेजा गया है और 5-5 घंटे हो गए आपको? 9 बजे से देख ली के टाइम हो रहा है और हमारे बीच में कई गाड़ी जा भी ली जो दिखाई नहीं दे रहे, बंदे सिलेंडर भरवा लेके ऐसा हो रहा है। पीछे से लोग आते हैं और सिलेंडर भरवा के ले जाते हैं, पब्लिक लाइन में सेटिंग हो रही है अंदर भी। ये समझ सकते हैं कि आप हॉस्पिटल से भेजा जाता है इमरजेंसी के लिए कि जाओ सिलेंडर लेकर आओ, और ऐसे खड़े पर इन्हें सिलेंडर अभी तक नहीं मिल पाया। देख सकते हैं कि मेरे पीछे सिलेंडर की लाइन लगी हुई है और जो लोग हैं अपने मरीजों के लिए सिलेंडर भरवाने आए हैं 5-5, 4-4 घंटे से लगे हुए हैं लेकिन इन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रही है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है इनका। सर कितने देर से खड़े हैं? 4-5 घंटे हो गए भाई सर। कहाँ से आए आप? रानीबाग से आए हैं। किनके लिए लेने आए आप? ये भाई के लिए लेने आए हैं।
क्या कुछ कहना है? बहुत दुखी है जी, सिस्टम बेकार है बिल्कुल ही, सप्लाई प्रॉपर नहीं है, छोटी सी चीज के लिए भाग रहे हैं। क्या लगता है कितने देर में और मिल जाएगी सरकारी? ये अब तो लगेगा, मेरे को लगता है 2-2.5 घंटे और लगेंगे। लाइट आएगी तो ही आएगी, लाइट आएगी तभी, जब लाइट आएगी तभी आएगा लाइट भी, 1 घंटा और। सिर्फ आज के लिए खुला है? आज के बाद बंद हो जाएगा? कल से वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाएगा सिस्टम, लेकिन मिलेगा कोई पता नहीं जी, मिलता है नहीं मिलता। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, साइन बोर्ड लगाया, चलेगी तभी नंबर मिलेगा। तो इतने लोग अगर एक ही उसमें लगे रहेंगे तो हैंग हो जाएगा, बहुत दिक्कत होती है सर। अभी तो लाइट गई हुई है, पता नहीं कितनी बहुत देर से, अब कब आएगी? अब ऑक्सीजन प्लांट है तो इनके पास बिजली का बैकअप भी नहीं है। अब लोग पब्लिक खड़ी है, किसी के पेशेंट हॉस्पिटल में क्रिटिकल सिचुएशन में है और कोई यहाँ सुनने वाला भी नहीं है। विंदो पिछले 2.5 घंटे से लाइट नहीं, जब से आंधी आई थी फॉल्ट, बिजली वालों को फ़ोन कर दिया है, कोई इमरजेंसी वाला जोड़ने तक नहीं आया। एटलीस्ट इनके पास बिजली का बैकअप तो होना चाहिए, ये सिचुएशन तो है ही। आज जनरेटर नहीं है क्या इनके पास? कुछ बैकअप ही नहीं है, जनरेटर नहीं होगा तभी तो नहीं जला रहे लाइन। और ऊपर से क्या कर रहे हैं कि लोग आ रहे हैं बीच बीच में, कोई पुलिस वाला आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, वो भरवा भरवा के ले जा रहे हैं, यहाँ खड़े हैं लोग आम पब्लिक। पुलिस वालों को अलग से मिल रही है सिलेंडर, लेके जा रहे हैं सिलेंडर और भरवा के ला रहे हैं, तो हम तो मान के चलेंगे कि उनको मिल रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि पब्लिक यहाँ परेशान है, किसी की वाइफ एडमिट है, किसी का लड़का एडमिट है, किसी के पेरेंट्स एडमिट है, उनको ऐसे मरने लिए थोड़ी छोड़ सकते हैं। और हॉस्पिटलों को गैस वो ऑक्सीजन मिल रही है मगर फिर भी पेशेंट्स को भगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रखी है, उनकी एम्बुलेंस आ रही है बाकायदा भरवा के ले आ रही है, देखो एम्बुलेंस खड़ी हुई है, हॉस्पिटलों की एम्बुलेंस है, वो भरवा के ले जा रहे हैं। हम भी किसी हॉस्पिटल से ही आए, हम भी अपने पेशेंट के लिए ही आए हैं। पेशेंट्स को सबको आगे कर दे रहे कि आप जाओ भरवा के लाओ, आप जाओ भरवा के लाओ, और बाजा और उसके एवज में भी सिलेंडर की सब्सिडी वो ले रहे हैं, उसके डिपॉजिट करवा रहे हैं। कितना डिपॉजिट ले रहे हैं? मेरे पास हॉस्पिटल में था उसमें 50,000 रुपये उस बंदे से डिपॉजिट करवाया है, इसके नाम का सिलेंडर के नाम का डिपॉजिट करवाया उसके नाम, उसके पास से, और उसको फिर भेज रहे हैं उसके पास सिक्योरिटी के तौर पे। यहाँ कितना लग रहा है? यहाँ तो अभी नंबर आएगा जब पता लगेगा, जो फिलिंग का चार्ज है यहाँ तो वो लग रहा है एक्चुअली में, यहाँ तो वो चार्ज नहीं लग रहा है, फिलिंग का चार्ज लग रहा है। हाँ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर बताया गया 300 या 400 कुछ लग रहा है। 300 लग रहे हैं भाई, ले रहे हैं वो 250-300 चार्जेबल है, फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है, चार्जेबल है, यहाँ पे चार्जेबल है, चार्ज ले रहे हैं जो पर केजी का हिसाब है, जो वो ले रहे हैं पर केजी के हिसाब से चार्जेस ले रहे हैं। पर केजी का चार्जेस क्या है ऐसा कोई डिस्प्ले नहीं है, पता नहीं किसी को, ये है प्रॉब्लम। ये देख सकते हैं क्या माजरा है यहाँ का, लोग खड़े हुए हैं, अब देख सकते हैं लाइन से है, सिलेंडर लगी हुई है लाइन में, 4 घंटे से यहाँ लाइट नहीं है, और ऐसा बताया जा रहा है कल से ये ऑनलाइन सर्विस होगा, कल से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर ये आएंगे उसके बाद सिलेंडर मिलेगी। इतनी क्रिटिकल पोजीशन चल रही है दिल्ली में और हम लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, हमारे रिलेटिव इतने बीमार हैं, परेशान हैं, जो कि एडमिट हैं, और हमें इतनी परेशानी हो रही है, तो आज का मुद्दा तो ये हमारा सॉल्व करें। परेशानी है इवन यहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इवन यहीं पे नहीं, जितने भी सेंटर हैं ऑक्सीजन के सब पे परेशानी है। मैं सबसे पहले मायापुरी गया था, ये बात होगी 28-29 तारीख की, मैं वहाँ पे 6 बजे पहुँचा था और मेरे को मिली है 7 बजे शाम को, जिसमें कि मेरी एंट्री हो गई 4-4 घंटे अंदर वेट चल रहा। यहाँ पे भी अब लोग खड़े हुए हैं, सुबह के भी लोग आए हुए होंगे, अभी भी खड़े हुए हैं, ऐसी बात। कितने बजे से आ रखे? मैं तो चलो लेट आया हूँ, मैं तो 2-2.5 बजे हूँ, मुझे नहीं पता मेरा नंबर कब आएगा, जो सुबह वाले हैं जब उन्हें नहीं मिली तो मेरा नंबर कब आएगा। उसके साथ साथ ऑक्सीजन की वजह से परसों घर में एक की डेथ हो भी चुकी है, जिसमें शाम को हमारे पास हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, उनकी डेथ हो चुकी है, आज उनके बेटे एडमिट है, हम उनके लिए यहाँ लेने आए हैं। मर रहे हैं भैया, देखो लोग मर रहे हैं और कोई नहीं मर रहा। अब क्या है, लोग कामकाज तो छोड़ चुके हैं क्योंकि बेचारे जब घरों में बस खाली सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, अब और कुछ नहीं चल रहा। 11:30 बजे ऑक्सीजन मिल रही है, अब देख लो मिल रही है, आपके सामने है ना। यहाँ कोई नेता नहीं आता जी, कोई नहीं देखने आता कि हम कैसे परेशान से लेके जा रहे हैं, पुलिस वाले खुद सिलेंडर अपने लेके आ रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, अभी भी पुलिस वाले अंदर बैठे हुए हैं, 2 सिलेंडर, 1 सिलेंडर वो लेके आए हैं उनका, और लाइट नहीं है तो उन्हें कैसे मिल रहा है? तो अभी गई है घंटे, नहीं लाइट तो अभी गई है ना 1 घंटे से, उससे पहले वो अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, कोई सी भी गाड़ी लेके आ रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, सीधा घुसा रहे हैं, लाइन में थे ना भरवा के ले जाए, लाइन में कोई लोग है नहीं, यहाँ पे जो नॉर्मल बंदा है गरीब है वो लाइन में लगा हुआ है, उसको कोई उससे कोई पूछेगा नहीं कि क्या है क्या नहीं, वो लाइन में लगा हुआ, और कोई आ रहा है जानकार वो सीधा पीछे से।
वो सीधा पीछे से आ रहा है और घुस रहा है अंदर, उसको कोई नहीं बोल रहा। आप कितने देर से खड़े हैं? मैं तो 11 बजे से आया हूँ। हाँ, अभी तक नहीं मिला। सोचो नहीं नहीं मिला तो हम भाई वालों को तो पता ही नहीं है। 10 बजे से हम खड़े हैं यहाँ पे, हमें कोई ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। बात ऐसी है कि हम वहाँ से लाइन लगाए। नाम क्या है? सुमित नाम है जी मेरा। सुमित, कहाँ से आप? मैं जी यहाँ से आया हूँ, बापरोला गाँव से। ठीक है जी। और यहाँ पे इतनी वो है कि पूछो मत, ये सारे बंदे खड़े हुए, इतने लोग खड़े हैं, फिर भी यहाँ ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं है। अंदर जाओ तो कहे कि अभी रुक जाओ, मिल जाएगी बस ऐसे। अब लाइट भी चलेगी, इतनी बड़ी कंपनी होने के कारण इनके पास क्या अंदर जनरेटर नहीं होगा? जनरेटर होगा भी तो नहीं चला रहे, कोई और कमी होगी, कोई दिक्कत। दुनिया को पता है कि गवर्नमेंट का अभी इतनी प्रॉब्लम चल रही, दुनिया में आदमी मर रहे हैं, तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट देखने जाकर लाइट कटी है तो फोर्थ विद उसी टाइम एक्शन होना चाहिए लाइट का। अभी लाइट लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, लाइट को सबको पता, पूरे भारत को, पूरे देश को पता कि भाई ऐसे टाइम पर एक चीज़ की छोटी ही मिस्टेक होगी ना तो हर चीज़ से मिस्टेक होती आती है। अभी लाइट कटी है तो लाइट कटने का मतलब क्या है? कब दे रहे हैं लाइट? फटाफट एक्शन क्यों नहीं कर रहे? सरकार से ये कहना चाहूँगी जो गरीब आदमी है उनकी प्रॉब्लम को समझो। बोलते कि ऑक्सीजन है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इन्होंने प्रोवाइड भी कराई है तो ये प्रोवाइड हुए जो मतलब बड़े बड़े लेवल पे हाई लेवल पे बंदे बैठे हुए उनके लिए ये है। गरीब आदमी के लिए 10 ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ चले जाते बस, ठीक है 10 ओनली, और बाकी सारे लाइन में खड़े रहते हैं, भीड़ में खड़े रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब मर जाए कोई दिक्कत नहीं सरकार को। सरकार अगर मैं मर जाऊँ तो सरकार को 1% का फ़र्क नहीं पड़ेगा, पब्लिक मर जाए सरकार को 1% का फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि गरीब आदमी हर तरह से मर रहा है। उन्हें देखना चाहिए कि यहाँ लाइन लग रही है, इतनी लंबी लाइन लगा रहे, एक एक सिलेंडर लेके आ रहे, उनके घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, एक सिलेंडर कितने दिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर गया बंदा तो बस बात ख़त्म। सिलेंडर फिर भरवा के क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता जी, किसी के घर में बहुत दिक्कत है। हम ये चाहते हैं कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाए सरकार से, हमारी यही अनुमति है कि अगर मान लो कल को ये ई पास का जो सिस्टम है, ये पहले भी चलाया गया था कि राशन के लिए, इसमें क्या सिस्टम हुआ था कि उस ई पास से भी राशन नहीं मिल रहा था लोगों को, वही धांधली अभी भी हो रही है, वही धांधली अब करेंगे। अब ये ऑक्सीजन का जो बहाना है कि हाँ ई पास से बनाएंगे, कुछ नहीं देने वाले सरकार, बस ये है कि हाँ ई पास करो और क्या करो, बैठो कंप्यूटर पे अपना उससे करो, वो आईडी नहीं चलेगी, ये हाइक हो जाएगा, ये मतलब वेबसाइट ही नहीं चलेगी, बार बार करो ऑनलाइन बस यही रह जाएगा सरकार के थ्रू और कुछ नहीं। और उसका उसने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया तो ये नहीं पता उसका बन के आएगा या नहीं आएगा, ये भी नहीं पता उसको। बस सिंपल सोवर सा फंडा है, मेरा तो एक मानना है, कहते हैं गाड़ी आ रही हैं, एम्बुलेंस आ रही हैं, हॉस्पिटल के लिए इंपॉर्टेंट है, मानते भैया इंपॉर्टेंट है, जानी चाहिए, कमर्शियल के लिए इंपॉर्टेंट है, जानी चाहिए, पर आप अगर जो यहाँ का फ्लो भी बनाए रखोगे ना, मैं कहता हूँ दो लोग भी अंदर लो आप, हर 10 मिनट में 15 मिनट में फ्लो तो बना रहेगा। देर में जा रहे हैं अंदर भाई, मैं अब आया हूँ, ये बता रहे हैं कि भाई एक बार में 10 लोग ये ले रहे हैं। अच्छा, मेरा सिलेंडर देखो कितने कितने देर में ले रहे हैं। अब मैं तो 2:30 बजे आया हूँ यहाँ पे, और कोई भी बता सकता है जो सुबह खड़ा होगा, है ना। अब जैसे मेरा सिलेंडर यहाँ आया है, वहाँ तक पीछे यहाँ आया है 2:30 बजे से लेके अब तक भी, ठीक है जी। अब चलो अब लाइट भी नहीं है इतनी देर से, फिर आगे बंदे खड़े थे वो कह रहे थे भैया 10 लेते हैं, मैंने कहा यार ठीक है 10 ले रहे होंगे, मैंने देखा चलो 10 जा रहे नहीं जा रहे, क्योंकि देखो यार मैं पहले से ले रहा हूँ, मैं पहले एक्सपीरियंस ले चुका एक, ऐसे भी देखे थे मायापुरी में, तो ये हुआ था मैं सुबह 6:30 बजे से खड़ा हुआ हूँ, 6:30-7 बजे नंबर आया, ऐसे भी लोग जो लाइन से चले गए जिनके फ़ोन आ गए जी आ जाओ रहने दो, ख़त्म हो गया। मेरे आगे वाला था उसका नंबर आ रहा था, ऊपर सिलेंडर पकड़ा रहा था, उसका फ़ोन आ गया आ जाओ बेटा ख़त्म हो गया। अब 12 घंटे में सिलेंडर मिलेगा तो भैया ख़त्म ही हो जाएगा। क्या लगता है यहाँ आपको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? खड़े हैं भाई साहब, देखो मिलेगा कब मिलेगा कुछ नहीं पता, अभी तो फिलहाल देखो लाइट गई हुई है। जो सिस्टम है ना वो सिस्टम की वजह से ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, अगर मिलेगा तो मिलेगा 11 बजे तक, कह रहे मेरे को नहीं लगेगा मिलेगा जिस हिसाब से। ये आप देख सकते हैं यहाँ इनके परिजन अस्पताल में अपनी सांसें गिन रहे हैं और ये लोग यहाँ अपना नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, लगभग इन्हें 5-5, 6-6 घंटा हो गया लेकिन नंबर तक नहीं आ रहा है। स्पेशल गाड़ियाँ जाती है जिसमें 10-10 सिलेंडर होता है, वो भर के वापस आ जाती है लेकिन इनका नंबर तक नहीं आ। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कल से रिफिलिंग की सर्विस ऑनलाइन की जाएगी, यहाँ पर्चा छप गया है, इस पर लिखा हुआ है delhigovernment.in, यहाँ से आपको रिफिलिंग की सर्विस मिलेगी, जबकि यहाँ की रियलिटी ये है कि ये लोग 9-9 बजे से रुके हुए हैं, लगभग 7-7, 8-8 घंटा हो गया लेकिन किसी को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कल से सिलेंडर लेने के लिए आते हैं तो आपको आने से पहले delhigovernment.in पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आप आए, क्योंकि अब आके यहाँ लाइन लगा कर कल से सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा गैस की रिफिलिंग की जा रही है,
कुछ स्टाफ के लोग हैं जो जाते हैं और रिफिलिंग करवा के आ जाते हैं। जब हम इस बात की पड़ताल करने के लिए अंदर जाने की कोशिश की है तो हमें नहीं जाने दिया गया। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाइन लगी हुई है, लोग सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ मैं सैम, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।